हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हम लोग इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में घूम रहे हैं। ये अभी हम न्यू बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर में हैं और ये कितना प्यारा व्यू लग रहा है, सारा सब कुछ दिख रहा है आगे। तो मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें जो ग्राउंड फ्लोर की और एमपी थिएटर रिलेटेड जो प्रोग्राम चल रहे थे अपने फर्स्ट व्लॉग में दिखा दिया है। चलिए आगे एक्सप्लोर करते हैं। ये हम असम के स्टॉल में आ गए हैं और ये बहुत ही बढ़िया मॉडल बनाया हुआ है चाय के बागान। ये हम आ गए उत्तराखंड के पेविलियन पे और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं और बिल्कुल एंट्री गेट पे ही बाल मिठाई और सिंगौड़ी मिठाइयों की दुकान लगी हुई है। फोटो बूथ, फोटो खिंचवा सकते हैं आप यहाँ पे। और सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। अब हम आ गए हरियाणा के पेविलियन पे। तो बड़ा सा ढोल और कुछ फोक डांस चल रहा है यहाँ पे, लोग एंजॉय कर रहे हैं। वाह, ये क्या है? हरियाणा का ये अर्जुन और कृष्ण भगवान के रथ का बहुत ही प्यारा मॉडल बना रखा है। ये कुरुक्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है आई बिलीव। ये राजस्थान का पेविलियन है, पूरा महल बना रखा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये हिमाचल प्रदेश का पेविलियन है। अब हम आगे पश्चिम बंगाल। वाओ, दिस इज कर्नाटका और यहाँ पे सारा वुडन रिलेटेड बहुत ही बढ़िया एंटीक पीस रखे हुए हैं, उसके मॉडल बनाए हुए हैं बेसिकली। और अंदर काफ़ी कुछ है देखने को स्टॉल्स में। तो आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश। ये सारा मध्य प्रदेश का एरिया है, स्टॉल्स बने हुए अंदर। और ये गुजरात का पेविलियन है और सारे गुजरात रिलेटेड स्टफ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये आ गए हम दिल्ली के पेविलियन पे। ये केरला का, वाव कितना बढ़िया शिप बनाया हुआ है केरला के पेविलियन पे, बहुत ही बढ़िया शिप लग रहा है उसका मॉडल बेसिकली। सो क्यूट, कथकली बनाए हुए हैं और आई थिंक ये अर्जुना एंड कृष्णा, कथकली अर्जुन एंड कथकली कृष्णा। ये इंडियन रेलवेज का सारा मॉडल है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दी है। हमने एक मार्गरेटा पिज्जा लिया है और हमने बारबेक्यू चिकन पिज्जा भी लिया है। तो गाइस, घूमते घूमते पाँव में दर्द हो गई और अभी हम आधा भी कवर नहीं कर पाए है ना। क्या करना है, अब निकलना है या घूमना है? ओके, तो लेट्स घूमो। तो गाइज, अभी हम जिस एरिया में आए हैं फर्स्ट फ्लोर में ही है, यहाँ पे सारा इंटरनेशनल स्टॉल्स लगे हुए हैं। अफगानिस्तान, ईरान, एम्बेसी ऑफ नेपाल, ये बेलारूस के कॉन्फेक्शनरी आइटम्स रखे हुए हैं यहाँ पे, बांग्लादेश के
प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। ईरान के आइटम है यहाँ पे, बैग्स एंड अदर स्टफ्स। ये थाईलैंड के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे आपको स्टॉल में। आगे बढ़ते हैं। ये अफगानिस्तान का एरिया ऑलरेडी दिखा दिया था, ये टर्की का एरिया है, इस्तांबुल टर्की। और बहुत ही बढ़िया स्टॉल है ये, सबसे बढ़िया तो मुझे यही लगा है। यहाँ की लाइटिंग्स और ये डेकोरेटिव आइटम्स बहुत बढ़िया हैं, बहुत प्यारे। अब हम लोग बाहर आ गए हैं और काफी डेकोरेट किया हुआ पूरे प्रगति मैदान को, अंदर जो भी एरिया है ट्रेड फेयर रिलेटेड। और क्राउड मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा किया और सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ पे। हमने अभी तक बहुत सारी जगहें एक्सप्लोर कर ली है, जैसे बहुत सारे स्टेट्स हमने एक्सप्लोर कर लिए है, उत्तराखंड, हरियाणा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर हमने थोड़ा खा भी लिया है और अब बहुत रात हो रही है, तो फिर हम क्या करने वाले हैं? करना क्या है, अब घर चलते हैं। और सारा कवर तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमने ट्रेड फेयर जो कि दिल्ली में होता है काफ़ी कुछ देखा है और एक्सप्लोर किया है। होप आपको भी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।